जीडीएल स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर 2 यानी चैप्टर नंबर 10.2.1 इंडिकेटर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो ये चलते हैं टॉपिक की जानी। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ करते हैं कि इंडिकेटर से क्या मुराद है। इंडिकेटर बेसिकली, जैसा कि नाम से जाहिर है, इंडिकेटर इंडिकेट से निकला है, निशानदेही करने वाला। इंडिकेटर का मतलब निशानदेही करना, इंडिकेटर निशानदेही करने वाला। किस चीज की निशानदेही करने वाला? बेसिकली इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट स्टिक एंड बेसिक मीडिया। यानी इंडिकेटर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस यानी मीडिया में मुख्तलिफ कलर जाहिर करते हैं, इन्हें हम इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह करेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एसिडिक और बेसिक एसिडिक या बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं मुख्तलिफ रंग रखते हैं या जाहिर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। तो आमतौर पर जो यूज होने वाले इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास लैब में जो हम टाइट्रेशन या मुख्तलिफ रिएक्शंस में यूज करते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस सॉल्यूशन है, फिनोफ्थालीन है। अब हम बात करते हैं इन तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर कि किस मीडियम में कौन सा कलर जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा, जो मेरे पास इंडिकेटर्स है वो है मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन है और तीसरे नंबर में मेरे पास है फिनोल्फथालीन। ये तीन टोटल मेरे पास इंडिकेटर है, यानी मिथाइल ऑरेंज, लिटमस सॉल्यूशन और फिनोफ्थालीन सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि किस रेंज में ये क्या कलर शो करते हैं, किस पीएच पे कौन सा कलर शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। हमारे पास पीएच रेंज हमने बात की थी 1 से लेके 6 तक हमारे पास एसिडिक था और 7 से लेके 14 तक हमारे पास बेसिक मीडियम है। अब ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये हमें 1 से लेके 4 पीएच तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि 1 to 4 पीएच, यानी कि एसिडिक मीडियम जब होगा तो ये रेड कलर शो करता है, सुर्ख कलर देता है। जबकि बाकी अगर 5 से लेके 14 पीएच के दरमियान कोई कलर कोई रेंज आती है तो वहां पे ये येलो कलर शो करता है, यानी एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर शो करता है और बेसिक मीडियम में येलो कलर शो करता है। इसी तरह लिटमस सॉल्यूशन है, अगर हम इसकी रेंज देखें तो ये 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 पीएच तक ये हमें रेड कलर शो करता है, सुर्ख रंग देता है। और अगर हम देखें कि 7 से ऊपर यानी 8 से लेके 14 तक
8 से लेकर 14 की रेंज में, तो फिर ये हमें ब्लू कलर देता है, यानी कि एसडी मीडियम में ये रेड कलर शो करता है और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर शो करता है। इसी तरह अगर हम फिनोफ्थलीन को देखें कि ये किस पीएच पे कौन सा कलर शो करती है, तो हमें पता चलेगा कि ये अगर 1 से लेके 9 पीएच तक ये कलर लेस होती है, 1 to 9, यानी कि ये कलर लेस है, कोई रंग शो नहीं करती, यानी कि ये आप कह लें स्पीक मीडियम में कलर लेस है। और अगर 10 से लेके ऑनवर्ड अगर 14 तक हम देखें, 14 पीएच तक, तो ये हमें रेड कलर शो करती है। इसका मतलब है बेसिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है और एसडी मीडियम में फिनोफ्थलीन कलर कलर लेस होता है, इसका कलर कोई नहीं होता, बेरंगी होती है। तो ये हमारे पास 3 इंडिकेटर्स है जिनकी रेंज मैंने आपको बताई है। अब हम चलेंगे लैब में और इन तीनों का एसडी और बेसिक मीडियम में कलर चेक करेंगे और देखिए किस तरह ये मुख्तलिफ मीडियम में ये मुख्तलिफ कलर जो है वो शो करते हैं। आइए लैब में चलते हैं। जी डी एस स्टूडेंट, अब मैं इस वक्त लैब में मौजूद हूँ और ये आपके सामने तीनों इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले ये मिथाइल ऑरेंज है और इस तरह कुछ इसका सोल्यूशन आपको नजर आएगा, ऑरेंज येलो या ऑरेंज टाइप। उसके बाद ये मेरे पास है लिटमस सोल्यूशन, ये भी आपको नजर आ रहा है पर्पल कलर का। उसके बाद ये फिनोफ्थलीन है, इसका सोल्यूशन है, ये आपको कलरलेस नजर आ रहा है। ये इसकी बकायदा डब्बी है जिसके अंदर पाउडर फॉर्म में मौजूद है और इसका यहाँ पे सोल्यूशन तैयार करके मैंने रखा है। ये आपके सामने लिटमस सोल्यूशन है और ये आपके सामने, ये भी डब्बी के अंदर है, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद ये आपके सामने कुछ पैटी डिशेस पड़ी जिसके अंदर एसडिक सोल्यूशन डाला गया इन तीनों के अंदर, और ये जो नीचे तीन आपको ये नजर आ रही है ये बेसिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं ये मिथाइल ऑरेंज का टेस्ट करूंगा, ये लिटमस सोल्यूशन का करूंगा और यहाँ पे फिनोफ्थलीन का। ये मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर है, ये मेरे पास ड्रॉपर है, ये स्पैचुला है। अब शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज से हमने बात की थी कि 4 पीएच तक ये रेड कलर शो करता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में ये रेड होता है और बेसिक मीडियम में ये पीला होता है। ये मेरे पास एसिडिक मीडियम है, इसके अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, ये देखिएगा तो ये रेड कलर होना शुरू हो गया। ये देखिएगा, ये आपको वाजह तौर पे रेड कलर नजर आ रहा है, तो इसने कलर में चेंज शो कर दी है एसडिक मीडियम में। जब इसको मैं बेसिक मीडियम में ऐड करूंगा तो आप देखेंगे ये पीला कलर शो करेगा, येलो कलर, ये देखिएगा, ये आपको वाजह तौर पे येलो कलर नजर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये पहला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो 1 से 4 पीएच की रेंज में रेड कलर शो करता है और 4 से ऊपर ये येलो यानी पीला कलर शो करता है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, जो मेरे पास दूसरा इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन है, ये 1 से 7 जो पीएच है यानी कि 1 से 7 तक ये रेड कलर शो करता है। अब मैं इसको इस वीडियो में ऐड करूंगा, ये देखिएगा, ये देखिए, ये भी रेडिश कलर शो करना शुरू हो गया, ये रेड कलर हो गया है, यानी कि 1 से 7 पीएच तक ये रेड कलर शो करता है, 8 से लेके 14 पीएच यानी बेसिक मीडियम में ये नीला कलर शो करता है, एसडिक में रेड और बेसिक में नीला। अब इसको मैं बेसिक मीडियम में ऐड करता हूँ, ये देखिए, ये नीला कलर आपको वाजह तौर पर नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया है बेसिक मीडियम में। उसके बाद तीसरा जो लास्ट हमारे पास इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, ये बेसिकली आपको ये कलरलेस नजर आ रहा है और ये एसडिक मीडियम में यानी 1 से लेके 9 पीएच तक आपको ये कलरलेस यानी बेरंग नजर आएगा और बेसिक मीडियम में आप देखेंगे कि ये आपको सुरख कलर शो करेगा। तो ये मेरे पास एसडिक सॉल्यूशन है, उसमें ऐड किया मैंने, ये देखें आप, ये देखें, ये कलरलेस का कलरलेस ही पड़ा है, यानी कि 1 से 9 पीएच तक ये कलरलेस होता है। अब इसको मैं बेसिक मीडियम में ऐड करता हूं और आप देखेंगे कि ये सुर्ख रंग में इसको चेंज कर देगा, यानी कि इसका कलर रेड कर देगा, ये देखिएगा, ये देखिए वाजह तौर पे पिंक यानी रेड आपको कलर ये नजर आना शुरू हो गया, ये देखिए वाजह तौर पे,
तो ये थे तीनों इंडिकेटर्स जो मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ कलर शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी।